जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं डॉक्टर अंधीर शर्मा, BAMS MDH, नेशनल ट्रेजरर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन, एग्जाम कोऑर्डिनेटर और मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ CLS बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, CLS काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। दोस्तों, आज हम आपको ओबेसिटी के बारे में बताएंगे, यानी कि मोटापा के बारे में बताएंगे कि हमें मोटापा होता क्यों है, मोटापा का कारण क्या है। मोटापा यानी कि बॉडी वेट यानी कि बॉडी में वेट बढ़ जाना और स्टमक में चर्बी बढ़ जाना। कारण होता है कि हम लोग उल्टे पुल्टे बहुत सारे चीज़ अपौष्टिक आहार ले लेते हैं। इसके कारण यानी फैटी सब्सटेंसेस जैसे वस्तुएं लेते हैं और उसके कारण फैटी एब्जॉर्ब हमारे बॉडी में नहीं होता है और जगह जगह पर डिपॉजिट हो जाता है। इसके कारण हमारे स्टमक के बेली पार्ट के साइड में बढ़ जाती है चर्बियाँ। और जब हम कभी कभी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते और खा के खाली सोते हैं और कोई काम नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, ये सब मोटापा का कारण है। दूसरा चीज़ है मेंटल डिस्ट्रेस, दिमागी टेंशन होने के कारण भी हम भरपूर या खाना खाते रहते हैं जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, हमारा बॉडी लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वह भी एक मोटापा का कारण है। और अपनी जो लाइफस्टाइल है इनबैलेंस हो जाती है और हम नींद बराबर नहीं ले पाते, और नींद बराबर नहीं लेने का भी कारण हमारा मोटापा हो सकता है। दोस्तों, आज कुछ बातें मैं ऐसी बताने जा रहा हूँ कि आज के समय में मोटापा ही नहीं, कोई भी बीमारी होने का कई कारण आ रहे हैं और उसके बारे में बताऊँगे, ताकि आज हमारे भाई बहन, माताएं, बहनें ये सब गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियां को सुधारने की कोशिश करूंगा। और बाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मोटापा के ऊपर वर्क बता रहा हूं, क्या वर्क है। दोस्तों, आज एक प्रचलन चल रहा है कि हम जो भी खाना बनाते हैं अगर ठंडा हो गया तो फिर से हम गर्म कर लेते हैं और फिर से खाते हैं टेस्ट के लिए, टंग के टेस्ट के लिए। वो एक तरह सा टॉक्सिक होता है, एक तरह सा पॉइजन होता है। अब पॉइजन के कारण भी हमारे शरीर को जो हम लोग खाना खाते हैं उससे पौष्टिक आहार नहीं मिलता है बल्कि अपौष्टिक मिलता है, यानी कि पॉइजनस ही फूड मिलता है। इसके कारण भी हमारा मोटापा ही नहीं और भी 10 तरह की बीमारियां हो सकती है। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कोई भी भोजन एक बार बनाए तो दोबारा गर्म ना करें, या तो दाल वगैरह सब्जियां बना खाते हैं तो नमक कम रहती है तो नमक अलग से मिक्स करते हैं, वह भी नमक ना मिक्स करें, वह भी हमारा मोटापा और भी कई बीमारियों का होने का कारण हो सकता है। अब इसके लिए, इस मोटापा को कम करने के लिए हम आपको जो रेमेडी बता रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी, उसको ध्यान दें। यश टू 200 डाइल्यूशन लें मॉर्निंग के टाइम में, 5 ड्रॉप्स ऑन टंग, जीभ पर 5 ड्रॉप सुबह में लें, सुबह में 7 बजे के पहले ले लें तो अच्छा रहे। उसके बाद में दोपहर में खाना खाने के पहले C2 200, 5 ड्रॉप ऑफ टंग, C2 200 का 5 बूंद जवान पर यानी टंग पर आप दोपहर में लें। और L1, S1, A3 तीनों का कॉम्बिनेशन बना ले 200 वाट डाइल्यूशन में, यानी कि L1, S1, A3 = L2, इसको भी 200 वाट डाइल्यूशन लें, लेकिन इसको शाम को 7 बजे तक ले लें।
यानी कि एस टू सुबह में, सी टू दोपहर में, आई एल वन एस वन ए थ्री शाम 7 बजे और रात को सोते समय वर टू स्लास और वाई सोते समय वार्म वाटर में मिक्स करके ले लें। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होगा। फॉर एग्जांपल एस टू हमारा टोटल क्रॉनिक पे काम करती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिपेशन वगैरह बिल्कुल नहीं बनने देती है, जो कि मोटापा में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। सी टू है जो कि हमारे जो चर्बी बढ़ी रहेगी, चाहे लीवर की हो या हार्ट की हो, उस चर्बी को धीरे धीरे माइनस कर देगी। अब तीसरा है L1S1A3। L1 जो है लिम्फ और ब्लड को प्योरीफाई करता है, S1 मेटाबॉलिज्म को क्रिएट करता है, A3 हार्ट और ब्लड को प्योरीफाई करता है। और अगर ब्लड प्योरीफाई होगा, लिम्फेटिक टेम्परामेंट होगा, तो हमारे शरीर का मोटापा क्रिएट होगा। रात में जो स्लास वर टू वाई जो बताया जा रहा है, स्लास वर टू वाई मतलब पेट में जो सड़े हुए प्रोडक्ट जो रहेंगे वो सुबह में स्टूल द्वारा बाहर निकल जाएंगे, यानी मोशन द्वारा रहेंगे और स्टमक हो जाएगा हल्का। तो इस तरह धीरे धीरे आपका मोटापा कम हो जाएगा और वजन भी कम होगा, जो कि अनटॉक्सिक यानी टॉक्सिक अंदर जो भरा रहेगा, फालतू चीजनेस जो पॉइजनस जो भरे रहेंगे वो सब निकल जाएंगे। इस तरह आपका मोटापा और वजन की कमी हो जाएगी। इसी को बोल के आज समाप्त करता हूँ और अगले आने वाले वीडियो में कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अच्छा लगे लाइक करें, ताकि हम आगे आने वाला वीडियो आपको बता सकें। जय हिंद, जय भारत, जय लक्ष्मी।